Hello friends, welcome back to Passionate for Cars. We talk automobiles here. Today I am standing in front of Indian owned British born brand Land Rover Cars Discovery Sports. So let's get started. Discovery Sport Land Rover brand ki entry segment gaadi hai jiski price shuru hoti hai 49 lakh rupees 70,000 rupees se aur top model ki kimat hai 68 lakh rupees 75,000 rupees. Main ye on road price bata raha hu, ye price vary karegi city to city. इंजन ऑप्शन की बात करें तो डिस्कवरी स्पोर्ट में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे. पेट्रोल में 2000 सीसी और डीजल में भी 2000 सीसी का इंजन मिलेगा आपको. डिस्कवरी स्पोर्ट्स के अगर वेरिएंट की बात करें तो डीजल में चार वेरिएंट मिलते हैं, प्योर, एसी, एचएसी और एचएसी लग्जरी. ये आप टॉप मॉडल देख रहे हैं. पेट्रोल में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एसी और एचएसी. यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स देख रहे हैं विद डीआरएल्स मिलेंगे. डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेगी आपको विद टर्न इंडिकेटर्स. यहाँ पे ये नीचे एलईडी फॉग लैम्प्स दिए हुए. ये डिस्कवरी की बैजिंग, ये लैंड रोवर की बैजिंग. फ्रंट में काफ़ी एग्रेसिव बम्पर दिया हुआ है. यहाँ पे ये आप देख रहे हैं वाइपर्स. यहाँ पे ये ब्लैक कलर में साइड व्यू मिरर दिए विद टर्न इंडिकेटर्स. यहाँ पे अगर साइड से देखें तो कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है. वन थिंग इज फॉर श्योर, इट हैज़ अ प्लेंटी ऑफ रोड प्रेजेंस, व्हाट यू से. डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिलती है 4600 mm, विड्थ मिलती है 2173 mm, हाइट मिलती है 1690 mm, व्हील बेस मिलता है 2741 mm का. और डिस्कवरी स्पोर्ट्स में मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 212 mm का. सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्यूअल स्टेज एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फोर व्हील ऑन डिमांड, हिल होल्ड कंट्रोल. डिस्कवरी स्पोर्ट्स में 65 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. वारंटी की बात करें तो आपको 3 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है डिस्कवरी स्पोर्ट्स में, विच एवर इज अर्लियर. अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहे तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज. कलर ऑप्शन की बात करें तो वाइट, सिल्वर, ब्लैक, ग्रे और रेड के ऑप्शन मिलेंगे आपको. यहाँ पे ये आप देख रहे हैं शार्क फिन एंटीना और ये है मैसिव पैनारोमिक सनरूफ. मैं अभी आपको अंदर इंटीरियर में से बताऊंगा. यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 18 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स. टायर साइज़ की बात करें तो 235/60 R18 के आपको टायर मिलेंगे यहाँ पे. और रियर में डिस्क और फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलेगी आपको. लैंड रोवर की गाड़ियाँ मशहूर है पूरी दुनिया में अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए. ये कहीं पे भी जा सकती है, चाहे फिर वो स्नो हो, ग्रास हो, सैंड हो, ये कहीं पे भी चल सकती है बड़ी आराम से. और पीछे से कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है डिस्कवरी स्पोर्ट्स. ये रियर वाइपर, ये डिस्कवरी की बैजिंग, ये लैंड रोवर का लोगो, ये रियर व्यू कैमरा, ये स्पोर्ट HSE की बैजिंग. यहाँ पे ये नीचे रियर सेंसर्स दिए हुए हैं, एग्जॉस्ट पाइप. और डिस्कवरी स्पोर्ट्स में आपको यहाँ नीचे स्पेयर व्हील दिया हुआ है, ये स्पेयर व्हील, ये एग्जॉस्ट पाइप, ये रिफ्लेक्टर्स. ये स्टॉप लैंप, आइए बूट खोल कर देखते हैं. तो यहाँ पे आपको डिस्कवरी स्पोर्ट्स में बूट स्पेस मिलती है 194 लीटर्स की. ये रियर पार्सल ट्रे दी हुई है, आप इसे अंदर भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं पूरा. और यहाँ पे ये दो सीट्स है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. आप ये इससे फोल्ड भी कर सकते हैं सीट्स को, देखिए ये फोल्ड हो रही है.
यहाँ पे ये 12 वोल्ट का आउटलेट दिया है और यहाँ पे यूएसबी का भी पॉइंट दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये नीचे टूल किट दी हुई है, बंद कर देते इसे। ये मैटिंग और ये सीट्स दी हुई है पीछे, देखिए मैं यहाँ इसे पुल करूँगा तो ये सीट यहाँ ओपन हो जाएगी। ये जो रियर पार्सल ट्रे आप उसे निकाल भी सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे रिमूव नहीं किया उसे। यहाँ पे ये देखिए सीट फोल्ड हो जाएगी, मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये रियर सीट्स के ये हेडरेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये दूसरा हेडरेस्ट, ये 7 सीटर है पर JLR इसे 5+2 कहती है। ये फैन स्पीड एडजस्टर यहाँ पीछे के लिए, एसी वेंट्स दिए हुए है सी पिलर पे। आइए बंद कर दे सकते हैं इसे बूट को। ये मैटिंग बाहर रह गई है, रुकिए इसे अंदर मैं डाल देता हूँ, बंद कर देते इसे हाथ से। आइए रियर डोर खोल कर देखते हैं। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स का काफ़ी हैवी डोर है ये, कुछ ऐसा दिखता है ये डिस्कवरी स्पोर्ट्स का ये डोर। यहाँ पे ये फिनिश दी हुई है, ये लेदर आर्मरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टिचिंग दी हुई है साथ में, और ये सिल्वर में डोर हैंडल दिया हुआ है। ये ग्रैब हैंडल लेदर में दिया हुआ स्टिचिंग के साथ। ये मेरिडियन का एक ये स्पीकर दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी, और ये बॉटम लोडर और कुछ स्पेस। ये पावर विंडो के स्विच यहाँ ऊपर दिए हुए हैं, इसे सीट को ऊपर कर लेते तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से ये रियर सीट्स डिस्कवरी स्पोर्ट्स की। लेदर फिनिश मिलती है। आइए अंदर बैठ जाते गाड़ी के, तो यहाँ पे ये 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और ये आर्मरेस्ट में है यहाँ पे दिया हुआ है विद कप होल्डर। ये एस्ट्रे दी हुई है, काफ़ी हैवी है ये एस्ट्रे, बंद कर देते इसे। यहाँ पे ये रीडिंग लाइट्स दी हुई है, ये ग्रैब हैंडल यहाँ दिया हुआ है हुक के साथ। ये एयरबैग, यहाँ पे भी ये एयरबैग दी हुई है, यहाँ पे भी एयरबैग दी है, ये ग्रैब हैंडल हुक के साथ, ये रीडिंग लाइट यहाँ पे, ये कुछ रखने के लिए स्पेस दी हुई यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ स्पेस, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। मेरी हाइट 5'11" है फिर भी यहाँ काफ़ी स्पेस है, देखिए यहाँ पे ये हुक दिया हुआ है। ये बी पिलर पे भी एसी वेंट दिया हुआ है फास्ट कूलिंग के लिए। एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि काफ़ी सेफ्टी पर ध्यान दिया हुआ है लैंड रोवर ने। यहाँ पे कुछ स्पेस दी हुई है, ये फिर से लाइटर और एस्ट्रे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये फ्रंट का डैशबोर्ड लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स का। आइए आगे चलकर देखते हैं, बंद कर देते इसे। ये फ्रंट डोर खोलते हैं, कीलेस गो मिलता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा दिखता है ये फ्रंट ड्राइवर साइड डोर डिस्कवरी स्पोर्ट्स का। लोग डिस्कवरी को डिस्को के भी नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये सॉफ्ट फिनिश मटेरियल यहाँ पे, ये पावर विंडो के स्विचेस यहाँ ऊपर दिए हुए, काफ़ी इजी रहता है ये लॉक अनलॉक के बटन। ये आर्मरेस्ट पे लेदर दिया हुआ है स्टिचिंग के साथ। ये क्रोम में हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे। ये मेरिडियन का साउंड सिस्टम, ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है स्टिचिंग के साथ। ये सिल्वर फिनिश, ये स्पीकर यहाँ पे, ये नीचे बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस दी हुई है। यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट सीट्स डिस्कवरी स्पोर्ट्स की।
ये डिस्कवरी की स्कफ प्लेट दी हुई है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी, 10-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर के लिए भी। पीछे कर लेते हैं इसे सीट्स को। और ये आप देख रहे हैं मैसिव पैनारोमिक सनरूफ देख रहे हैं आप। ये आइए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ये आप लैंड रोवर की बैजिंग देख रहे हैं। यहाँ गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है डिस्कवरी स्पोर्ट्स का। ये आपको दिखाएगा ट्रिप, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, ये आपको शो करेगा। ये आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी शो करेगा। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले दी हुई है। ये लैंड रोवर की बैजिंग कुछ ऐसा दिखता है ये डिस्कवरी स्पोर्ट्स का। ये स्टेयरिंग यहाँ पे ये आप देख रहे हैं टच स्क्रीन, काफ़ी ब्राइट और क्रिस्प दी हुई है ये टच स्क्रीन। ये टच स्क्रीन सपोर्ट करता है ये GPS नेविगेशन सिस्टम, USB ऑक्स, ब्लूटूथ, MP3, CD प्लेयर, FM, AM, iPod को भी ये सपोर्ट करता है, रेडियो। ये अलग अलग यहाँ मोड्स दिए हुए हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैंने ये यहाँ से ये कैमरे का बटन प्रेस किया तो ये रिवर्स कैमरा स्टार्ट हो गया है। ये पार्किंग का बटन दिया हुआ है यहाँ पे। ये होम का बटन दबाएंगे तो मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये अलग अलग यहाँ क्लाइमेट, रेडियो, फ़ोन के यहाँ पे ये दिए हुए ऑप्शंस 4x4 के। ये वापस कैमरा स्टार्ट कर दिया मैंने। ये काफ़ी ब्राइट यहाँ कैमरा दिया हुआ है इसका। ये अलग अलग मोड्स, यहाँ से आप ये एम्बिएंट लाइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप यहाँ से देख रहे। यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से आप फैन स्पीड ऑन प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ से ये टेम्परेचर प्लस माइनस होगा, देखिए रोटरी डायल टाइप में दिया हुआ है ये। ये पार्किंग लाइट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से ये सिस्टम ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे ये अलग अलग मोड्स दिए हुए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एसी में जो आप मोड्स सेट करेंगे वो यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा। ये इको, ये टेरेन सिस्टम्स दी हुई है अलग अलग। यहाँ पे कुछ स्पेस दी हुई है। ये पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पे छोटा सा। ये देखिए स्टार्ट करेंगे तो ये गियर नॉब बाहर आ जाएगा, टिपिकल ये लैंड रोवर स्टाइल। इतना छोटा ही ये गियर नॉब आता है। ये अलग अलग मोड्स दिए हुए, इसे स्लाइड करेंगे यहाँ पे तो ये दो बॉटल होल्डर दिया हुआ है। और यहाँ पे भी ये एस्ट्रे दी हुई है, काफ़ी हैवी है ये एस्ट्रे। ये एस्ट्रे इसे रख देते हैं वापस। यहाँ पे ये लाइटर दिया हुआ है, ये लेदर में आर्मरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ काफ़ी डीप ये आर्मरेस्ट है। और यहाँ पे USB के और 12 वोल्ट के आउटलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। बंद कर देते इसे। यहाँ पे ये कुछ स्पेस और ये यहाँ पे भी ये USB का एक आउटलेट पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे ये कुछ स्पेस, ये एसी वेंट, यहाँ पे ये एयरबैग्स दी हुई है। ये लेदर फिनिश मिलती है यहाँ पे। ये यहाँ पे कूल ग्लो बॉक्स मिलता है एल्यूमिनेशन लाइट के साथ में। बंद कर देते इसे। ये सनग्लास होल्डर दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से खोलेंगे ये सनरूफ।
देखिए काफ़ी बड़ा ये सनरूफ है यहाँ पे, ये आप वन टच से ही पूरा खुल जाएगा। ये देखिए मैंने एक बार इसे दबाया, ये पूरा एंड तक पीछे सनरूफ चला गया। ये यहाँ से ये बटन को वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये पूरा सनरूफ बंद हो जाएगा, एक बार प्रेस करने पे ये पूरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ये बंद हो गया पूरा सनरूफ। यहाँ पे ये जो लाइट्स दी हुई है रीडिंग लाइट्स, वो टच सेंसिटिव है। देखिए यहाँ पे टच करेंगे लाइट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है, टच करेंगे पूरी लाइट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ सनशेड के ऊपर ड्राइवर साइड में ये वैनिटी मिरर दिया गया है, ये मिरर यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे ये लाइट जब आपको चाहे तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है, ये नहीं कि आपने इसे कवर ऊपर किया और लाइट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भी सेम को ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे मिरर दिया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ लाइट आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बूट ओपनर दिया हुआ है नीचे, ये एयरबैग यहाँ दी हुई। आइए आगे चलकर देखते हैं इंजन कंपार्टमेंट। ये बोनेट को यहाँ आप ऊपर करेंगे तो हाइड्रोलिक है, अपने आप ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे 2000 सीसी फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन दिया हुआ है जो प्रोड्यूस करता है 177 bhp और 430 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है गाड़ी। आइए बंद कर देते हैं इसे हाथ से। ये इसकी चाबी में बहुत सारे फंक्शन हैं, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप इससे ये प्रेस करेंगे तो मेन हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, वापस दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। इससे आप बूट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक करेंगे तो ये DRL स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक बार टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। पीस।